हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने एक कंसीडर माइक ऑर्डर किया है और वो आने वाला है, तो फाइनली वो आ चुका है। तो जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए दोस्तों, ये कंसीडर माइक है हमारा। ये देखिए, ये कंसीडर माइक है और इसके साथ हमारा ये ऑडियो वाइब का ये है कंसीडर माइक, और इसके साथ में हमारा साउंड कार्ड भी है, V8 साउंड कार्ड भी। और तो आज फिर मैं इसकी अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाता हूँ, तो आप वीडियो को ज़रूर दोस्तों एंड तक देखिएगा, तो इससे आपको पता लग जाएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ हमें मिली है। और अनबॉक्स करने के साथ साथ आपको इसकी बिल्ड क्वालिटी भी पता लगेगी, और ये इतने कम प्राइस में हमें मिला है, तो ये बहुत ही एक अच्छा माइक है दोस्तों बिगिनर्स के लिए। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप इसको ज़रूर भी लीजिएगा। तो उससे पहले बट मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग दिखाता हूँ और इसमें क्या क्या चीज़ें हमें मिली हैं कंपनी की तरफ से, ऑडियो वाइब की तरफ से, वो आप पहले देख लीजिए, उसके बाद आप डिसीजन लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों जल्दी जल्दी वीडियो को शुरू करते हैं और करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। दोस्तों ये आ चुका है मेरा ये कंसीडर माइक, जैसे कि आप देख रहे हैं अमेजोन से ये मेरा ही नाम लिखा हुआ है इसके ऊपर। तो चलिए अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर किस किस तरीके से आपको क्या क्या सामान मिलता है। तो आज इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और ये चाकू से मैं इसको काट देता हूँ पहले टेप को, ये पूरी तरीके से कट गई है अब जी। अब इसको ओपन करते हैं। ये बॉक्स जो है अमेजोन ने अपनी टेप मार के नहीं दी है इस पे, नहीं तो अधिकतर वो टेप मार के ही देते हैं। बट देखिये जैसे कि आपको दिख रहा है इसके अंदर, ये पे शायद ये लिखा भी हुआ है कुछ, जैसे कि देख सकते हैं V8 साउंड कार्ड भी लिखा हुआ है इसके साथ मंगाया हुए। ऑडियो वाइब का है ये हमारा ये माइक कंसीडर माइक है इसके अंदर। ये देखिए इस पे इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, ऊपर भी लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं आसानी से, कंसीडर माइक विद V8 साउंड कार्ड। चलिए अब इसको ओपन कर लेते हैं और उसको पहले इससे पहले ये पढ़ लेते हैं इस पे क्या क्या लिखा हुआ है। देख सकते हैं BT कनेक्टिविटी फॉर बैकग्राउंड, प्लग एंड प्ले, हाई रीज सिंपलिंग रेट, अब ये नॉइज रिडक्शन भी है, फुल मेटल रिबस बॉडी। तो चलिए अब इसको एक बार पीछे से भी देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पीछे से लुक इसका, इस पे इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है बहुत सारी, सामने से ये कुछ ऐसा दिखता है, जैसे कि ये तो आपने पढ़ ही लिया होगा। चलिए तो इसको एक बार इसकी भी पॉलीथीन ओपन कर लेते हैं, फिर एक बार इसको देख लेते हैं। ये पॉलीथीन मैं ओपन कर देता हूँ इसकी, ये फट क्यों नहीं रही है ये। हाँ फट गई, चाकू से काट देता हूँ, जल्दी कट जाएगा। ओहो यार ये कट क्यों नहीं रही है ये। चलो फाइनली हो गई ओपन, इसको पूरा ओपन करते हैं जल्दी से, पन्नी पूरी उतार देता हूँ नहीं तो ऐसे ओपन होगा नहीं ये। चलो ये फाइनली पन्नी ओपन हो चुकी है। अब ये देखिए आप, अब इसमें शायद नीचे से ये, हाँ ये मैं ये काट देता हूँ, इसके बिना तो ये ओपन भी नहीं होगा। ये दोनों तरफ लगे हुए हैं, ये कट कर दिया मैंने दो, अब ये दो तो ये दो भी काट देता हूँ, ये बिल्कुल कट चुका है। अब ये ओपन करने जा रहा हूँ मैं इसको, थोड़ा हार्ड है ये, ओपन नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया, टाइट है थोड़ा सा बॉक्स ही ज़्यादा। करते हैं ओपन, ये ओपन हो गया है, एक सेकेंड ओपन कर लेता हूँ मैं इसको, देखता हूँ। देखिए दोस्तों ये ऊपर इसका ये दे रखा है इन्होंने, ये फिल्टर लगा रखा है ऊपर बॉक्स में, सबसे ऊपर ये लगा रखा है इन्होंने। ये देखिए इसकी क्वालिटी तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है, और इसका ये स्क्रू है जिसको हम टाइट करते हैं, एंड इसके बाद इसको मैं साइड रख देता हूँ पहले, उसके बाद फिर हम देखते हैं इस पे क्या दे रखा है इन्होंने। ये पॉप फिल्टर, ये है हमारा विंड वाइजर जो हवा में अगर करते हैं, तो इसको भी मैं साइड रख देता हूँ, और इसके बाद मैं ये हटाता हूँ बॉक्स, फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या और क्या क्या है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैं आपको दिखाता हूँ, ये तो कुछ इंस्ट्रक्शन कार्ड है जो हमें दे रखा है, ये तो हर चीज़ के साथ आता ही है, तो हमें इसके साथ भी मिला है, तो इसको मैं साइड करता हूँ। और ये हमारा शायद ऑडियो वाइब रजिस्टर फॉर वारंटी कार्ड है हमारा, ये जैसे कि आप देख रहे होंगे ये हमारा वारंटी कार्ड है। इसको स्किप करते हैं, इसको भी हटाते हैं, देख लीजिए आप। और ये इसके जो हमारा ये हमारे V8 साउंड कार्ड है उसका ये हमें इंस्ट्रक्शन दे रखी है, मतलब ये कि हमें कैसे यूज़ करना है, कौन सी चीज़ कहाँ प्लग इन करनी है। इसको भी अभी मैं साइड रखता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ और क्या क्या चीज़ दी है। ये हमारी माइक से जो केबल कनेक्ट होगी और जो साउंड कार्ड में हमारी केबल लगेगी, ये हमारी माइक में लगती है ऊपर से, और इसके बाद ये पीछे से साउंड कार्ड में लगती है जो हमारा इसके साथ दिया हुआ है। ओके ये हाँ यहाँ से ये माइक में लगाते हैं हम, माइक में 3 पिन होती है, इसको मैं साइड रखता हूँ अभी। और मैं आपको दिखाता हूँ एक और चीज़, ये उसमें कनेक्ट करते हैं इसको टाइट करने के लिए नट कोई, और ये हमें 3 केबल दी हुई हैं, 2 तो ये हैं, एक उसमें रखी हुई है अभी। ये देखिए ये हमारी फ़ोन में कनेक्ट होती है, और एक ये एक तरफ साउंड कार्ड में और एक तरफ फ़ोन में। अब इसके बाद ये क्या है ये देख लीजिए, इसको भी ओपन कर लेता हूँ मैं। ये हमारा शॉक माउंट है, ये जो जिसमें हमारा कंसीडर माइक लगता है, ये शॉक माउंट है, और इसकी क्वालिटी भी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। इसको भी मैं साइड रख देता हूँ, और जैसा कि ये देख रहे हैं एक केबल और है इसमें जैसे मैंने बताया था। अब इसके बाद ये वो है जिसमें हम टाइट करते हैं नीचे से, जिसपे माइक का स्टैंड समझ लीजिए आप इसको, ये लगाया जाता है उस पर किसी भी टेबल पर जिसपे आपको इसमें लगाना हो, आप उसको वहाँ पर इसको टाइट कर सकते हैं, और इसमें हैंडल भी दे रखा है। इसको मैं साइड रखता हूँ अभी, और इसके बाद मैं ओपन करके दिखाता हूँ आपको। ये स्टैंड है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये इसकी मैं पॉलीथीन निकाल लूँ पहले तब ये क्लियर दिखाई देगा। ये देखिए दोस्तों आप जैसे कि देख पा रहे होंगे कि इसकी तो इसकी क्वालिटी जो है बहुत ही अच्छी दे रखी है,
हाँ, मुझे लगा नहीं था कि इतनी अच्छी मेटल क्वालिटी का ये होगा, इतने कम प्राइस में तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है फॉर द बिगिनर्स। आपको साउंड कार्ड भी मिलता है, पर इसकी क्वालिटी भी अच्छी है और स्प्रिंग लगा हुआ है इसमें और मेटल भी बहुत अच्छा है इसका, तो आप देख पा रहे होंगे इसको आसानी से। आपको मैं एक बार कम दिखा देता हूँ, और ये देखिए सामने से देख लीजिए आप, इस पर ब्लैक कलर है ये और काफ़ी अच्छा है, शाइनी है थोड़ा सा। चलिए मैं आगे और दिखाता हूँ आपको चीज़ें, इसके बाद मैं ये आप माइक खोल के दिखा देता हूँ। खुल जा भाई खुल जा, ये देखिए दोस्तों ये माइक अब हमारा निकल रहा है बाहर। क्या हो गया ये, हाँ देखिए दोस्तों ये आ गया बाहर हमारा माइक, और द वाइब इस पे लिखा हुआ है और बहुत ही ज़्यादा मतलब बेस्ट क्वालिटी का माइक है ये, इतने कम प्राइस में। और इसकी बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है जैसे कि मैं अपने हाथों में देख रहा हूँ, और ये थोड़ा सा शाइनी है। मैंने मंगाया तो सिल्वर था बट ये ब्लैक आया, कोई नहीं चलिए इसको भी साइड रखते हैं। अब देखते हैं आगे इसमें क्या है, ये हमारा V8 साउंड कार्ड है। अब इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ V8 साउंड कार्ड। देखिए दोस्तों मैं इसको पॉलीथीन से बाहर निकाल लेता हूँ, फिर इसके बाद आपको दिखाता हूँ। देखिए बहुत ही अच्छा है दोस्तों, ये भी बहुत अच्छा क्वालिटी का है दोस्तों, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ इसमें सारी चीज़ें जैसे मैंने देखा था सेम टू सेम एज इट इज़ वैसा ही आया है, और इसमें कोई बदलाव नहीं है। सारे बटन जो हैं प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, जैसे कि मैं देख रहा हूँ ये हमारा साउंड का है, ये हमारा एको का है, और पीछे की जैसा मैं आपको दिखा दूँ ये इस पर स्पेसिफिकेशन दे रखे हैं कि कौन सी चीज़ किस में लगती है, तो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। ये देखिए हमारा मोबाइल 1 है, मोबाइल 2 है, बैकग्राउंड है इसके बाद, और बहुत सारे इसमें दे रखे हैं। डायनेमिक माइक का दे रखा है, कंसीडर माइक का दे रखा है, और हेडफोन का दे रखा है, और ईयरफोन का दे रखा है। आपको जो मर्जी लगाना हो आप लगाइए और मोबाइल कनेक्ट कीजिए, बाकी सारे स्लॉट इसमें दे रखे हैं। और फुल मेटल बॉडी का है ये, प्लास्टिक बॉडी नहीं है, बाकी शाइनी है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, काफ़ी अच्छा है। तो अब जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ ये सामान हमारा इस बॉक्स में निकला है, और ये साथ में कवर भी दिया है माइक का, जो काफ़ी एक अच्छी बात है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये सारा सामान हमें इतना मिला है हमारे कंसीडर माइक के साथ, जो कि मैंने इसके साथ ही मंगाया था साउंड कार्ड के साथ। तो ये कुछ चीज़ें दोस्तों इसमें निकली थी हमारे बॉक्स में। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो के, तो आप वहाँ पे जाके जस्ट क्लिक कीजिए और अमेजोन पे जाएंगे आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे, और वहाँ से आप इसको परचेज भी कर सकते हैं। दोस्तों फाइनली आपने इसको देख लिया है, मैंने आपको पूरा रिव्यू दिखाया इसका कि हमें क्या क्या चीज़ें मिली हैं। तो इतनी सारी चीज़ें हमें मात्र 2650 रुपये में के आसपास मिल गई हैं, 2699 इसका प्राइस था, और हमें बट इसकी हमें 50 रुपये डिस्काउंट मिल गया अमेज़ॉन की तरफ से, तो 2649-50 रुपये की हमें ये मिली है। तो दोस्तों इतने कम प्राइस में इतनी सारी चीज़ें, वो भी V8 साउंड कार्ड के साथ हमें ये मिली थी। तो मैं तो यही बताना चाहूँगा कि आप इसको भी आप भी खरीदिए, बिगिनर्स के लिए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, और मैंने अनबॉक्सिंग करके आपको भी दिखाई, अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप बिल्कुल लीजिएगा, बट मेरा रिकमेंडेशन आपको यही है कि आप इसको परचेज़ कर लीजिए, क्योंकि ये इतनी कम प्राइस में तो दोस्तों इतनी चीज़ अच्छी चीज़ मिलना तो मुश्किल है। तो बस मेरा यही रिकमेंडेशन रहेगा कि आप भी ले लीजिए इसको, और अगर आप भी यूट्यूबर हैं तो आपके लिए तो बहुत बढ़िया चीज़ है, अगर आप सिंगिंग भी करते हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं सिंगिंग के लिए, तो आप इसको यूज़ करके अपने सिंगिंग को लोगों को दिखा सकते हैं कि मैं भी एक सिंगर हूँ। तो फिर दोस्तों आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ, तो मिलते हैं अपने फैक्ट की वीडियोज़ के साथ, तो आप अपडेट बने रहिएगा, वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल ही जाएगा। तो इसी के साथ अलविदा चाहूँगा दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।